विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुई लापता, आखिर सुषमा स्वराज कहां से हुई गुम। दरअसल दीवारों पर लगे ये पोस्टर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हैं, जो उनकी गुमशुदगी की बात बयां कर रहे हैं। और ये पोस्टर विदेश मंत्री के संसदीय क्षेत्र विदिशा में लगाए गए हैं, और जिसकी भी नजर अचानक से इन पोस्टर पर पड़ती है वो हैरत में पड़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर देश का विदेश मंत्री गुम हो जाएगा तो फिर मुल्क के आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएंगे और विकास कहां से होगा। अब सवाल यह है कि आखिर विदेश मंत्री कहां से गुम हुई और किसने इन्हें गुमशुदगी का सर्टिफिकेट दिया है। दरअसल मामला यह है कि इन पोस्टरों के माध्यम से विदिशा से सांसद सुषमा स्वराज पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आती है। साथ ही उन्होंने जो वादे किए थे वो भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। सड़कों और घरों पर लगे इन पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा है गुमशुदा की तलाश। पोस्टर में एक तरफ सुषमा स्वराज को गुमशुदा बताया गया है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोटो है, जिसके नीचे लिखा है 5 बार सांसद एवं 13 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी एवं 10 साल सांसद रही सुषमा जी के लापता विकास की तलाश। साथ ही पोस्टरों में ट्रेन का फोटो है जिस पर लिखा है लापता स्वराज एक्सप्रेस। साथ ही इस पोस्टर को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मामला ये है कि जो 5 साल पहले इन्होंने वादे करे थे देश की हमारे क्षेत्र की जनता से, वो वादे बिल्कुल फेंकने लगे। उन्होंने बोला था रेल कोच फैक्ट्री का, रेल लाइन का, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जबकि उन्होंने वादा ये किया था कि मैं सतत क्षेत्र से संपर्क में रहूँगी, हर महीने हर विधानसभा का दौरा करूँगी और जो भी समस्या हो उनका तत्काल निराकरण करेंगे। उन पोस्टर के माध्यम से विकास खोज यात्रा निकाल रहे हैं कि इन्होंने विकास के वादे किए थे वो विकास कहीं तो दिखे, कम से कम उसकी खोज कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पोस्टर कांग्रेस नेताओं ने लगवाए हैं, क्योंकि पोस्टर में कांग्रेस नेताओं के भी फोटो हैं। दूसरी तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक बीजेपी नेताओं का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि सुषमा स्वराज आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। हितेश उपाध्याय, वीके न्यूज़।